मुझे ये मशहूर संदर्श नंबर गल्ला कोई नहीं ये कांग्रेस कर रहे हैं ये कांग्रेस का मुकाबला हुआ दिया लाल साहब ने ये संदर्श की शहादत देने को ना होना कौन से संदर्श खड़े थे ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आज श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के टोट पंचायत में दौरा किया और यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और उनके साथ साथ भाजपा के प्रत्याशी जो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भाजपा के प्रत्याशी चेयरमैन उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहे थे। खास रिपोर्ट में टोट पंचायत स्वागत है भाई स्वागत है डॉक्टर जी का स्वागत है ताली मार के जोर से स्वागत है भाई स्वागत है डॉक्टर जी का स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है डॉक्टर जी का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी नरेंद्र भाई मोदी जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर नाथ जी स्वागत है भाई स्वागत जिया पिछले बारी में मशीन चुकी थी इधर वाली निकली साफ गल जे मैं बड़ी साफ गल करावा जेल में मशीन चुकी ना उन्हें कोई 2000 बंदा जेल में मशीन चुकाई 2000 बंदा ते तुस अंदाजा नहीं लगाई सकदे दिवाली आले आस्ते साढ़े घर दे 200 वोट ते जेल वोट घर दे पुछना किन्ने थोए 40 थोए 160 भी खराब हो गया मेरा गा ये मशीन मशहूर संदर्श नोटर चलना कोई नहीं ये मुकाबला साढ़ा कांग्रेस कर रहे एक कांग्रेस का ने मुकाबला होना दिया लाल साहब ने आख्या के सिलेंडर की शहादत देने को ना होना कौन सा नहीं आना ये जिन्हें लोग के सिलेंडर खड़े थे ना वो 600-700 आदमी ये लबड़दार और मेरे यहाँ कन्या आ बुला दे ये डंगे वाले मेरे पुराने साथी शेर सिंह और भी टोपी लाई दिया जे भी यहाँ कन्या आ बुला दे लाल साहब एक गल सुना लगा मैं तुसे जरा ट्रस्ट बने हैं 1984 बने हैं बढ़िया कि नहीं बढ़िया 1984 बढ़िया है नहीं 86 का 86 हाँ 1986 बढ़िया नहीं मोदी जी कदों आए 2014 बीच किन्ने बजे हुए 96 2006 ते 2014 28 बरे कुंदी सरकार ही इन्नी है केंद्र च भी इन्नी सरकार इत्थे भी इन्नी सरकार ते 28 बरे नहीं है तुहाडे हाल बनाई सके ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਰੀਦਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀ ਉੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਾਉਣੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਬਣੀ ਰਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਕਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਬਾਰੀਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਰਵੇ ਬਾਰੀਦਾਰ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ 28 ਸਾਲ ਬਸਾ आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना आभार प्रकट करना हमारा बरसों का यह सपना था और हमारे लिए एक आस्था का विषय था कि माँ वैष्णो देवी के नाम का एक असेंबली हलका हो एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो लेकिन हमारा मुतालबा कभी नहीं सुना गया 40-50 बरस तक यहाँ कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की सरकारें रहीं केंद्र में भी और प्रदेश में भी लेकिन जानबूझ करके इस क्षेत्र की अवहेलना की गई यहाँ के लोगों की मांगों की अवहेलना की गई मात्र और मात्र इसलिए कि उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति थी एक वर्ग विशेष को रिझा करके अपने आकाओं को खुश रखिए अपने मंत्री पद बने रहे घोड़ा गाड़ी बंगला बना रहे और ज़्यादा चिंता की यहाँ के लोगों की तो उन्हें लगता था कि उनके मालिक नाराज ना हो गए। मोदी जी आने के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। आपको स्मरण होगा सन 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार मनोनीत होने के बाद मोदी जी ने अपना देशव्यापी अभियान शुरू करने से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर के दर्शन किए और फिर प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 2014 में जो पहला प्रमुख कार्यक्रम हुआ वो यहाँ पर रेल स्टेशन का उद्घाटन
और आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भी यहीं पड़ोस में निर्माणित हो रहा है। और ये इसलिए ये हमारे लिए इन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से न सिर्फ हमारे अधिकारों की अवहेलना हुई इस क्षेत्र की, बल्कि हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचाई गई। अपने राजनीतिक हितों को, स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ के सीधे साधे लोगों को उनके अधिकारों से भी वंचित रखा और उनकी आस्था का भी निरादर किया। डॉक्टर साहब, क्या पार्टी पूर्ण बहुमत से बड़ी सरलता से जीत करके आई? ये बड़ी पुरानी चतुराई है। जब कोई चीज होने वाली है उसकी मांग रख दो, बाद में कहो मैंने मांगा था। जब प्रधानमंत्री कह गए हैं कि स्टेटहुड मिल जाएगा, उन्होंने डोडा में सभा में कहा, उससे पहले 6 महीने पहले बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में कहा, गृह मंत्री बार बार संसद में कह चुके हैं, जिस बात की घोषणा हो गई उसको मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब ये सोचते हैं कि हम एक फेक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करें, ईजाद करें, बार बार कह के हम स्टेटहुड दे देंगे, उनको मालूम है कि मोदी जी देने वाले हैं, जब दे देंगे कहेंगे हमने दबाव डाला था। लेकिन आप जैसे रियल टाइम रिपोर्टिंग वाले मित्र हैं, ये पिछले चुनाव की चतुराई इस बार नहीं चलने वाली, दे चुके हैं, केवल और केवल चुनाव का इंतजार है। ये वो मांग रहे हैं जो इनको पता कि मिल चुका है, उसका श्रेय लेने की कोशिश। अगर आप जनता से पूछें, केवल यहाँ नहीं श्रीनगर की गली कूचों में, तो वहाँ का भी आम इंसान नहीं चाहेगा 370 वापस लौटे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, जो इनके साथ जुड़े हैं कांग्रेस वाले, उनका क्या जवाब? वो श्रीनगर में जाते हैं तो इस तरह से कोशिश करते हैं दिखाने की कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, हम 370 को वापस लेंगे। जम्मू में आते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं कि हम 370 के खिलाफ हैं। ना वो यहाँ के हैं, ना वो वहाँ के हैं, वो बोलते ही नहीं हैं। और मैं ये चुनौती देता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी नेता एक बार ये कह दे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे लिखा कि हम 370 वापस लाएंगे, वो भी कह के दिखाए। वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है सारे हिंदुस्तान में उनकी पिटाई हो रही है।